अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो जो लोग इस वक्त नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो करेंगे ये कि वो बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट न्यूज, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों के लिए, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है, और आप लोग उसको फौरन से देख पाएंगे और अपने आप को अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। बेसिकली तौर पर आज इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको कुछ क्लैरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि कब उनके स्कूल खुल रहे हैं, कब नहीं खुल रहे हैं। और पिछले दिनों से बहुत सी अफवाहें हमारे सामने आ रही थी कि भी स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, जुलाई में ओपन होने जा रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि 15 जुलाई से हो रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि भाई एंड ऑफ जुलाई से हो रहे थे, कुछ का ये भी कहना है कि 15 अगस्त तो फाइनल हो चुकी है ना, अभी अगस्त के अंदर जो है स्कूल ओपन हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इवन के मुरादराज साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अभी तक इस हवाले से कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, ठीक है। जो डेट है, ठीक है, यानी ओपनिंग, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स की जो डेट है, ठीक है, वो ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकती है, उसके हवाले से कंप्लीट कॉम्पैक्ट डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, अभी जस्ट कन्वर्सेशन चल रही है, अभी वो कहते हैं ना अभी मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है, और पेंडेमिक सिचुएशन को देखा जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक ये सिचुएशन है ना तो जो स्कूल डिपार्टमेंट है वो खुद रिस्क लेगा, ठीक है, ना मुरादराज साहब जो है वो रिस्क लेने जा रही हैं, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल भी जो है इस हवाले से कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है, अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। डेट ऑफिशियल अनाउंस जब होगी तो हम आपके लिए खुद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों को बताएंगे कि भी आप लोगों के स्कूल रीओपन हो रहे हैं, अभी तक कोई डेट नहीं है। इवन के उन्होंने ये भी कहा है कि अगस्त में भी हम सोचेंगे कि पेंडेमिक सिचुएशन के अगर जो बेहतर होती है तो फिर हम स्कूल ओपन करें, और किस तरीके से करेंगे उसके लिए भी कंप्लीट एसओपीज हैं, वो भी जो है आगे चलते हुए क्लियर हो जाएंगी, जिसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि भाई क्या एसओपीज हैं जिसके थ्रू स्कूल ओपन हो सकते हैं या होंगे नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में या जब भी होंगे, ठीक है जी। सो अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और दूसरा ये कि अपने डेज को बहुत अच्छे से जो है प्लान करना है, अच्छे से इनको जो है स्पेंड करना है, ताकि आप लोगों के जो वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।